क्या हुआ, कैसे हुआ, जैसे हुआ, बुरा ही हुआ। अब जो हो गया सो हो गया, जो भाई लिखा था जो हो गया सो तो हो गया। हाँ, मैं बात कर रहा हूं भारत जो बुरी तरीके से श्रीलंका से 2-0 से वनडे सीरीज हारी है। क्यों हारी? हार तो गई है, सबको पता है। क्यों हारी, कैसे हारी, इसके पीछे बहुत सारा कारण है। और अगर आप इस सीरीज के तह तक शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा तो बहुत सारा रीजन आपको निकल करके आएगा। तो हम एनालिसिस किए हैं जो हम आपके सामने रखने का प्रयास कर रहे हैं। हो सकता है हम गलत भी हों, आप लोग बताइएगा कि क्या मैं सही हूं या गलत हूं। सबसे बड़ा जो कारण देखने में आ रहा है वो भारत का वनडे का ना खेलना। भारत वनडे की तरफ बिल्कुल ध्यान ही नहीं दे रही है। जब से भारत 2023 का 50 ओवर वाली वर्ल्ड कप हारी है तब से भारत केवल और केवल 3 वनडे खेली थी इससे पहले, वो भी साउथ अफ्रीका से, और उसमें भी कुछ स्टार प्लेयर जो हमारे विराट रोहित कुछ है ऐसे थे प्लेयर जो शायद नहीं थे, मुझे जहां तक याद आ रहा है। और फिर उसके बाद अभी अगस्त 2024 में वनडे देखने को मिला है, ना कोई प्लेयर प्रैक्टिस में थे, ना कोई प्लेयर डोमेस्टिक खेल रहे थे, सीधे घर से उठ करके आए और वनडे खेलना चालू कर दिए। तो कहां से आप सोच रहे हैं कि हम किसी भी टीम को हरा सकते हैं, चाहे वो श्रीलंका ही क्यों ना हो, और श्रीलंका अपने देश में मजबूत टीम होती है। एक ये तो सबसे बड़ा कारण है। उसके बाद हम आते हैं अगर दूसरे कारण पर, तो हमें पता चलता है कि भारतीय टीम अभी स्पिन के खिलाफ बहुत ज्यादा ही गंदा कुछ खेल रही है। हाँ, भारत का स्पिन को ना खेल पाना वनडे सीरीज 2-0 से हारने का ये भी एक बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि भारत को आदत है सपाट पिच पर खेलने का। हाँ, बहुत लोगों को बुरा लगेगा लेकिन ये सच्चाई है। इंडिया में लगभग जितने भी ग्राउंड होते हैं इतना इतना टर्न वाली पिच नहीं होती है, सपाट पिच होती है, थोड़ा सा हल्का छोटा सा बाउंड्री भी होता है क्योंकि T20 मैच ज्यादातर होता है और वहां पर चौके छक्कों की बरसात देखने को मिलती है। लेकिन वही जब बड़ा बाउंड्री पिच में मदद स्पिनर को, तो भारत के बैट्समैन वहां नहीं चल पा रहे थे। ये भी एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है भारतीय टीम का नहीं जीत पाना। उसके बाद अगर आगे चलते हुए बात करते हैं तो जो टीम का कॉम्बिनेशन होता है कि भाई इस नंबर पर ए बैट्समैन खेलेगा, इस नंबर पर ए बैट्समैन खेलेगा, उसको अंदर परिपक्वता नजर आती है, स्थिरता नजर आती है, लेकिन ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला है इस टीम में। जब से गौतम गंभीर साहब ने कोच का पद संभाला है भारत का, तब से टीम को तहस नहस करके छोड़ दिया है। एक शुभमन गिल, रोहित शर्मा और विराट कोहली तीनों प्लेयर को छोड़ करके किसी भी प्लेयर को तीनों मुकाबले में एक नंबर पर बल्लेबाजी करने का मौका नहीं मिला। कभी श्रेयस अय्यर 4 पर आ जाएंगे, कभी केएल राहुल 4 पर आ जाएंगे, कभी शिवम दुबे 4 पर आ जाएंगे, कभी अक्षर पटेल 4 पर आ जाएंगे, कभी वाशिंगटन सुंदर को भेज दिया जाएगा। मतलब किसी भी बल्लेबाज का अपना पुख्ता जगह फिक्स नहीं था कि हमको इस नंबर पर बल्लेबाजी करना है, तो कहां से बल्लेबाज प्रदर्शन कर पाएंगे, सीधी सी बात है। और भारत का तो 4 नंबर का समस्या आज से नहीं है, जब से युवराज सिंह भारतीय टीम से रिटायर हुए हैं ना, तब से भारत को 4 नंबर का समस्या रहा है। कभी दिनेश कार्तिक को ट्राई किया गया, कभी अंबाती रायडू खेला करते थे, कुछ दिन विजय शंकर खेले, अब राहुल को ट्राई किया जाता है, ऋषभ पंत को कभी उतारा जाता था। तो मतलब परिपक्वता और स्थिरता टीम में जब तक आपको नहीं आएगी कि हाँ भाई हमको 4 पर ही खेलना है, हमको 5 पर ही खेलना है, तो टीम आपको नहीं जीत पाएगी, ये बात आपको मान करके चलना होगा। और ये बड़ा फॉर्मेट होता है, 50 ओवर का गेम बहुत बड़ा फॉर्मेट होता है। प्लेयर अब नहीं खेलना चाहते हैं 50 ओवर का गेम, टिकना नहीं चाहते हैं, आते हैं T20 के जैसे और सोचते हैं 2 ओवर 4 ओवर में चौके छक्के उड़ाएं और चले जाएं। ऐसा वनडे गेम नहीं है। यही विराट कोहली 230 रन 40 रन जब रहता था तो इजी में बौना साबित कर देते थे उस स्कोर को और लगता था आसानी से जीत लेंगे विराट कोहली। लेकिन विराट कोहली अब चेस मास्टर शायद नहीं रह गए हैं, अब पहाड़ जैसा स्कोर लगने लगता है चेसिंग में, क्योंकि विराट कोहली अब पहले जैसे फ्लो में नहीं खेल पाते हैं। विराट कोहली चेस में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले प्लेयर हैं, उनको चेस करने में इतना मजा आता था कि मत पूछिए। और वही प्लेयर अब आते हैं बॉल डिफेंस करने जाते हैं और 3 बार लगातार पहली बार किसी सीरीज में LBW आउट हुए हैं स्पिनर के खिलाफ विराट कोहली साहब, सोचिए। इसके बाद आगे चलते हैं दोस्तों, तो एक और सबसे बड़ा जो कारण हमको नजर से आता है कि जो फिनिशिंग का काम होता है, जो फिनिशर होता है, जो पहले हमारे महेंद्र सिंह धोनी किया करते थे भारतीय टीम के लिए, वो अब किसी भी प्लेयर में वो परिपक्वता, वो स्थिरता, वो गुण नजर ही नहीं आता है कि हाँ ये बंदा अगर है पिच पर तो मैच को जिता सकता है। ऐसा कोई भी प्लेयर नहीं है जो ऐसा हम उस पर बिलीव कर सके कि हाँ ये प्लेयर जिता सकता है। महेंद्र सिंह धोनी जब रहा करते थे टीम में
30 रन पर 5 विकेट, 32 रन पर 6 विकेट, 28 रन पर 4 विकेट, कोलैप्स होती थी इंडिया, लेकिन फिर महेंद्र सिंह धोनी संभालते थे और 90% मुकाबलों में भारत को अच्छा स्कोर तक पहुंचाते थे, मैच को जीतते थे अंतिम विकेट के साथ, कई बार एक एक विकेट, दो दो विकेट के साथ महेंद्र सिंह धोनी ने मैच को फिनिश किया है। लेकिन ऐसा प्लेयर आपको आज के डेट में कोई लगता है कि जो उछल्ले बल्लेबाजों के साथ खेल करके टीम को आगे नैया पार लगा दे? नहीं है। तो अभी तक भारत को न 4 नंबर का खिलाड़ी मिल पाया है वनडे में और ना ही फिनिशर मिल पाया है, इसी के कारण भारत अभी बहुत पीछे वनडे में धीरे धीरे जाते हुए नजर आती है। पहले बल्लेबाजी करते हैं तो टारगेट पता नहीं होता है, सब बल्लेबाज अपना मार के फार के खेलते हैं, उसके बाद बॉलर का काम होता है डिफेंड करना, वो कर सकते हैं, लेकिन जब चेस करने की बारी आती है ना तो छोटा स्कोर भी आपको बड़ा लगने लगता है क्योंकि आपके पास वैसा फिनिशर नहीं है। रिंकू सिंह T20 में खेलते हैं, वनडे अभी उनको खिलाया नहीं जा रहा है, लेकिन रिंकू सिंह भी एक तारा के समान है, कभी चमकते हैं कभी बादल में छुप जाते हैं। तो ऐसा अभी कोई भी प्लेयर विश्वास लायक मिला ही नहीं है भारत को जो खुट्टागार करके कहे कि हाँ हम यहाँ से मैच जितवा सकते हैं। T20 में ठीक है, टेस्ट भी अच्छा खेल रही है इंडिया, लेकिन वनडे में अभी बहुत पीछे है, इस बात को मानना पड़ेगा और इस पर विचार करना पड़ेगा। बेल, आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। जब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद।